इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नहीं, वो इश्तिहाद भी तो है यार। जनाब सदर साहब, मुअज़्ज़िज़ शोरा इकराम, मेरे अजीज और मोहतरम भाई कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, आज की तकरीब के दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान भाई और बहनों, वो कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। आज की इस शब के लिए जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, बहुत सी यादें, बहुत से साल, बहुत सी तकरीबें, बहुत कुछ वाबस्ता है। सबसे पहले तो मैं अपनी जो एसोसिएशन है कराची स्टूडेंट्स की, उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने संगलाख तो कह नहीं सकते लेकिन फिसलती हुई ज़मीन में ये दाग बूटे जो हैं ये लगाए और इसकी शादाबी जो है और उसकी महक जो है अब माशाल्लाह दूर दूर तक फैल गई। बम्बई की हवा में भी कभी कभी यहाँ की महफिलों की महक जो है वो महसूस हुई। और उसके लिए मैं माजरत खा हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहले हाज़िर नहीं हो सका, उसके लिए मैंने सलीम भाई से माफ़ी भी मांगी है। हमारे खुमार साहब बैठे हुए हैं सामने, उनसे माफ़ी का तलबगार हूँ मैं। अब तो क़िबला ये देखिए पब्लिक अपॉलोजी है, ये माजरत, पब्लिक माजरत है, लेकिन अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके इरादों को और फ़रोग़ दे और इनको अपने मकासद में सुरखरू और कामयाब करे कि इतनी ख़ूबसूरत महफ़िल उस खूबसूरत ज़बान की सजी है। हम आप यहाँ किसी के लिए यानी एक दूसरे की बातें सुनने के लिए नहीं आए बल्कि शेर व अदब, नगमा सुखन की वो हुस्न और उसकी वो चाशनी जो कि उर्दू ज़बान में जज्ब है, उसके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। दिक्कत का दौर रहा, मुश्किल का दौर रहा। एक वक्त था हिंदुस्तान में जबकि उर्दू ज़बान तकरीबन यतीम हो चली थी और मुझे ये, मैं अपना अख़लाक़ी फ़र्ज समझता हूँ कि इस बात का एतराफ़ करूँ कि दो शख्सियतें नुमायाँ थीं
जिन्होंने इस ज़बान के हुस्न को मुशायरों के ज़रिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में दिक्कत तलब और सब्र आजमा हालतों में भी बरकरार रखा है, और वो मुनिस गमखार वो मावन हमारी उर्दू ज़बान के, जहाँ वी शंकर साहब भी थे, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, मैंने बेदी साहब आपके बारे में कुछ जो सुविनियर है उसमें भी पढ़ा, आज के अखबार में भी आपके मुतालिक कुछ छपा है वो भी पढ़ा, और मैं ख़ुद आपसे और अपने तमाम भाइयों से इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि यह शख्सियत जो कुछ लिखा गया है उससे कहीं ज़्यादा अजीम तर है। इनका हस्ब नस्ब क्या है और किस बुलंदी और अरफा ख़ानदान से मुतालिक हैं वो तो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन एक हमदर्द इंसान जिसमें वो अंग्रेज़ी में इस्तिलाह है कि ए सिंबल ऑफ कंपैशनेट ह्यूमनिज्म, दैट इज़ दिस जेंटलमैन। मैं अपने हम लोग अपने इब्तदाई दौर में नौजवानी के दौर में आज से मेरे ख्याल से 40 साल कबल हमें ये खुशकिस्मती ये फैज़ मिला कि कुंवर साहब से मुलाकात हो, और जैसे कि हमारे घरों में तरबियत होती है नशस्त बरखास्त की, उठने बैठने की, गुफ्तगू करने की, एक दूसरे से सलूक और सिलसिला कायम रखने की, वो आदाब जो हैं अगर हमने कई और से बुज़ुर्गों से सीखे हैं तो सीखे हैं यकीनन, लेकिन उसका बहुत कुछ हिस्सा हमें कुंवर साहब से भी मिला है। नेक दिल इंसान, इनके दफ्तर के बाहर कई ज़रूरतमंद और हाजतमंद लोग हमेशा बैठे हुए मिलेंगे आपको। कई शायर, कई लिखने वाले मुसन्निफ, कई स्पोर्ट्समैन आते हैं, जो कुछ भी कुंवर साहब से बन सकता है वो करते हैं। ये एक वाहद शख्सियत हैं हमारे कल्चरल उर्दू के कल्चरल माशरे में, जो बराह रास्त जोश साहब के अलावा जो बराह रास्त पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाते थे और अक्सर उनसे सख्त सुस्त बातें भी कर लिया करते थे, और ये उनका पंडित जी का भी हुस्न अखलाक था कि वो इस किस्म की दराज दस्तियाँ बर्दाश्त कर लेते थे। हिंदुस्तान के माशरे को उर्दू ज़बान ने बड़ी जीनत बख्शी है, बड़ा हुस्न बख्शा है। उसी माशरे में, उसी दिल्ली में इस ज़बान ने परवरिश पाई, जहाँ के थोड़ी देर तक के लिए हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि उर्दू यतीम हो गई, लेकिन वो शेर है मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बातें करते कर, हाँ, कि जहाँ में अहले ईमां सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमां सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वो कैफियत जो अहले ईमान की है वो इस ज़बान की भी है।
चिजा है कि हिंदुस्तान और लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली की वो करखंदारी जबान आपको अब टोरंटो में भी सुनाई देगी, वैंकूवर में भी मुशायरे होते हैं, लंदन में तो खैर आपकी ज़ेर सरपरस्ती कई मुशायरे हुए, मुझे भी शामिल होने का फैज़ उसमें मुयस्सर हुआ। और यहाँ तक कि जो लोग नहीं भी समझते, ज़बान को नहीं समझते, लेकिन उसकी लोच और उसकी खनक को बहुत पसंद करते हैं, बिल्कुल सही। एक उर्दू के हिंदुस्तानी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एक एहतजाज हो रहा था मद्रास में कि तमिल ज़बान के ऊपर हिंदुस्तान हिंदी ज़बान को तरजीह दी जा रही है, और खैर बहुत से लोगों को ये बात नागवार थी। और वो सही क्या था और गलत क्या था वो तो अहले ज़बान ही समझ सकते हैं, पठान लोगों में ऐसे इम्तियाज़ की अकल कम होती है। और पठानों की अकल की तरफ जब मैं इशारा करता हूँ तो यकीन कीजिए मेरा सिख भाइयों की तरफ कोई इशारा नहीं होता। अब बात बात में बात ही भूल गया कि क्या कहना क्या चाह रहा था। बहर कैफ, मैंने तो ये जोश साहब की मेरा ख्याल है गैर मतबूआ नज़म है, और एतराफ़ करना पड़ेगा कि कुंवर साहब से ही सुनी, उर्दू ज़बान के मुतालिक है। कहीं लिख के तो रखी थी शायद, उर्दू और उर्दू के शायर से निस्बत रखती है। आपसे आपकी तवज्जो चाहूंगा, बहुत उम्दा तरकीब है। नदी का मोड़, नदी का मोड़ चश्मे शीरी का जेरो बम, नदी का मोड़ चश्मे शीरी का जेरो बम, चादर शबे नुजूम की, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रख्त नम, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रख्त नम, मोती की आब गुल की महक, माह नौ का खम, मोती की आब गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, इन सब के इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफक से हवैदा हुई है तू। लहजा मली है कि नमक ख्वार हूँ तेरा, लहजा मली है कि नमक ख्वार हूँ तेरा, और सेहत जबान में है कि बीमार हूँ तेरा, लहजा मली है कि नमक ख्वार हूँ तेरा, सेहत जबान में है के बीमार हूँ तेरा, आजाद शेर हूँ, आजाद शेर हूँ के गिरफ्तार हूँ तेरा, होशियार इसलिए हूँ तेरे करम से,
तेरे करम से शेर व सुखन का इमाम हूँ, तेरे करम से शेर व सुखन का इमाम हूँ, और शाहों पे खंद जन हूँ कि तेरा गुलाम हूँ।